बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। मैं अमजद पठान। आज हम बात करेंगे टिकटॉक के ज़ारा एमएस के बारे में, जो कि हमारे साथ में मौजूद है। इनके तकरीबन 12.7 जो है लाइक्स है और 5.5 लाख फॉलोअर्स हैं इनके, और इन्होंने अचानक में एक डिसीजन लिया है। ये टिकटॉक वालों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि इन्होंने टिकटॉक से जो है हटने का फैसला किया है। आइए हम इनसे जानते हैं, पूछते हैं कि आखिर में टिकटॉक से हटने का कारण क्या है और क्यों ये टिकटॉक जो है अपना बंद करना चाह रहे हैं। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है जारा जी। जैसा कि आप टिकटॉक में फैसला किए हो कि टिकटॉक आपको नहीं बनाना है आगे, और टिकटॉक के जितने भी आपके वीडियोस हैं सब आप डिलीट कर देना चाहते हो, यहाँ तक कि अपने अकाउंट्स भी डिलीट करना चाहते हो, आखिर में ये फैसला जो है किसी के दबाव में लिया गया है या किसी के प्रेशर में लिया गया है, इस बारे में जानकारी दीजिए। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अभी तक अपना अकाउंट पूरी तरह से हटाया नहीं है, उसे अभी मैंने सिर्फ अपने वीडियोस को प्राइवेट किया है। और रही दबाव की बात, तो मुझे किसी फैमिलीज का कोई इशू नहीं, ना हस्बैंड का कोई दबाव, कुछ नहीं। ये जो भी मैंने किया है अपने मर्जी से किया है और अपने दिल की खुशी के लिए किया है। और इसका जो कारण है वो कारण ये है कि टिकटॉक की दुनिया में मैं एक टाइम पास के हिसाब से गई थी, कि थोड़ा सा मैं दुनिया से हटके थोड़ा टिकटॉक पे टाइम पास करने के हिसाब से, चलो काम वाम हो जाए तो अपन थोड़ा टाइम पास कर ले। पर लोगों ने इतनी मोहब्बत दी, फैंस लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी जल्दी आगे पहुंचा दिए, मैंने सोचा भी नहीं था। पर अब ऐसा हो गया है कि उसमें सुकून नहीं मिल रहा है मुझे, सुकून और बेचैनी इतनी बढ़ गई। पहले मैं 10-10 वीडियो अपलोड करती थी एक दिन में, अब अगर मैं एक वीडियो भी अपलोड करने जा रही हूँ तो मुझे इतना भारी हो रहा है, मतलब बेचैनी हो रही है। बस डालने के लिए मैं वीडियोज अपलोड कर रही हूँ पर खुशी नहीं हो रही अंदर से। लेकिन बेचैनी बोले तो किस किस्म की बेचैनी महसूस कर रहे हो आप? बेचैनी ये कि मैं कहीं ना कहीं अपने इबादत से दूर, बहुत दूर हो गई, अपने फैमिली से घर में होके भी मैं बहुत दूर हो गई। मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं घर पे हूँ, मेरे शौहर है, मेरा बच्चा है। मतलब देखिए, जो सच है मैं वो ही बता रही हूँ, क्योंकि कहने के लिए लोग बहुत कुछ कमेंट बॉक्स में लिख रहे दूसरे के कि ये पब्लिसिटी के लिए हो रहा है। तो मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, मैं पहली बात तो ये बता दूँ कि ये कोई पब्लिसिटी नहीं है, ये जो भी है रियल है। मुझे जो फील हुआ वो मैंने सच्चे दिल से किया। ये टिकटॉक क्या है, आज है कल नहीं है, और ये हमारा घर नहीं चला रही है, ठीक है बस। हाँ चलो, एक एंटरटेनमेंट है, एक टाइम पास है, लोग उसको उस तरीके से ले, वो समझ में आता है। पर टिकटॉक पे जो देखो गाली गलौज कर रहा है, कोई झगड़े कर रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है तो कोई कुछ बोल दे रहा है, कोई बिना मुझे जाने पहचाने मुझे जहन्नुमी बोल दे रहा है, तो आपको तो ये हक नहीं दिया है ना खुदा ने कि आप किसी को जहन्नुमी बोल दो ना, मुझे हक दिया है। मुझे ये सब चीज़ें से बहुत, और मेरे कोई फ्रेंड्स लोग भी आ रहे हैं घर में, तो मुझसे मिलने से पहले, मुझसे मेरा हाल पूछने से पहले वो टिकटॉक लेके शुरू हो जा रहे हैं कि देखिए हम जारा जी के घर पे आए हैं, हम ऐसा हम ऐसा। मुझे वो सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टिकटॉक की दुनिया ना बहुत अलग ही दुनिया है, इससे हट जाओ। और जितना आप टिकटॉक पे टाइम दे रहे हो उससे ज़्यादा आप इबादत में वक्त देंगे तो आपको आखरत में काम आएगा। ये टिकटॉक आपको आखरत में काम नहीं आने वाला है, ये 5.5 लाख आपके कबर में नहीं आने वाले हैं, आपके अच्छाई और बुराई की गवाही देने के लिए। आपकी नेकियां, आपके अमाल ही आपको आखरत में आपके काम आएंगे। ये मेरे दिल से मुझे ये महसूस हुआ, और मैंने अपना लाख अपने रसूल का नाम लेकर इस टिकटॉक से मैं दूर जाना चाहती हूँ। जारा जी, जैसा कि अभी आपने बात किया कि इबादत के बारे में, तो जैसा कि आप टिकटॉक की जब शुरुआत किए थे तो उस टाइम पे आपको इबादत की याद नहीं, और अचानक में आपको इबादत की याद आई, इस बारे में क्या जानकारी दोगे आप? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने अमजद भाई मेरे से, कि उस वक्त ऐसा है ना कि मतलब एक अलग ही दुनिया थी मेरे अंदर, उस वक्त इतना नहीं समझ में आया, बस चलो चलो एक टाइम पास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग छूट गए थे, एक फैमिली का भी एकदम मतलब थोड़ा वो हो गया था, तो अपने में बहुत अकेली हो गई थी मैं। तो एक टिकटॉक का जरिया ऐसा मिला कि चलो एक टाइम पास के जरिए मैं उसमें गई। पर वो कहते ना खौफ है खुदा, कब खुदा आपके दिल में खौफ पैदा कर ले। और मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को, कि अल्लाह ने मुझे ये बशारत दी, अल्लाह ने मुझे ये मेरे अंदर ये खौफ पैदा किया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर किसी को ये नसीब नहीं मिलती है, जो मुझे अल्लाह ने ये दिया है। तो मैं इसे एक तोहफे के जरिए अपने पास रखना चाहती हूँ, और मैं इसे ज़िंदगी भर तक लेके चलना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर अल्लाह ने मेरे दिल में ये खौफ डाला है तो मरते दम तक ये खौफ हो,
और आगे और भी ऐसे गुनाह है, टिकटॉक ही एक गुनाह नहीं है, बहुत सारे गुनाह है ऐसे, उससे भी मुझे दूर कर दे अल्लाह ताला। और मैं चाहती हूँ मैं अपना उमरा कर लूँ और मैं जितना हो सके इबादत के करीब चली जाऊँ, अल्लाह के करीब चले जाऊँ। और मेरा एक छोटा सा पयाम भी है, अगर आप लोग इजाज़त दें। टिकटॉक पे देखिए मैंने तो गलती की है, मुझे वो चीज़ का एहसास हुआ तो मैंने तो छोड़ दिया, पर आप लोग बुरखे को बदनाम ना कीजिए। टिकटॉक पे ऐसी कई औरतें हैं जो बुरखा पहन के गाने पे आकर, आप लोग बनाइए ना वीडियो, आपको टाइम पास करना है आप लोग कीजिए, बेशक मैं तो ये कहूंगी कि पहली बात तो छोड़ दीजिए, पर फिर भी अगर आप लोगों को करना है तो, पर उस बुरखे को बदनाम मत कीजिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ढकने के लिए दिया है, उसे पहन कर नाचने के लिए नहीं दिया है। तो अल्लाह के वास्ते मेरी दरख्वास्त है उन औरतों से जो टिकटॉक पे आकर बुरखा पहन के जो ये नुमाइशें कर रही है, ना करे ना करे, अल्लाह का थोड़ा तो खौफ रखे अपने अंदर, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। जैसा कि कल रात में हमने एक वीडियो देखा था, दो वीडियो देखा है, जिसमें टिकटॉक में एक लेडीज है रोते हुए बोल रही है कि सारा MS को देख के हमने टिकटॉक जो है वो शुरू किया था और अभी शायद मैं भी बंद कर दूंगी। और एक बंदे का टिकटॉक में मैसेज था कि ज़ारा MS दीदी ने अगर बंद किया है तो, और उनको इस्लाम के बारे में इतनी मालूमात है तो क्या हम इस्लाम वाले जो है नहीं बंद कर सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहली बात तो उस औरत के लिए, उस लेडीज के लिए, वो जो भी मेरी फैन है, उसने कहा कि मैंने टिकटॉक शुरू किया है तब उसने जाके टिकटॉक, मतलब मैंने कहीं ना कहीं किसी को गुनाह की राह पे पहुंचाया। आज मेरे टिकटॉक बंद करने से अगर वो अपना टिकटॉक बंद करेगी तो ये मेरे लिए ही सवाब है और उसके लिए भी सवाब है, वो भी नेकी का रास्ता ही कमाएगी, क्योंकि आखिरत में मैं उसकी नेकी उसको नहीं देने जाऊंगी, उसकी नेकी उसको काम आएगी। और वो जो भाई ने मेरे लिए कहा, तो मुझे तो बहुत खुशी होगी कि अगर लोग गुनाहों से जितना दूर हट जाए और मुझे देखकर अगर औरतें हट रही है तो ये सवाब है। जो होता है ना, ये कैसा होता है अमजद भाई, कि अगर मुझे देखकर एक औरत ने बंद किया और उसको देखकर दूसरी ने किया, तीसरी, तो मेरा सवाब तो समझ लो चालू है और ये राउंड अप होते रहेगा, ये एक साइकिलिंग हो जाएगी सवाब का, और हमें सवाब ही कमाना है क्योंकि हम और कुछ नहीं कमा सकते इस दुनिया में, सवाब ही हमें काम आएगी आखरत में। तो बस मैं तो ये कहूँगी कि मेरे को जो महसूस हुआ, ये मैं आज आपके चैनल पे, आप आए मेरे मुझसे ये बात करने, आप आए मुझे, आपने मुझसे कहा कि आप चाहते हो कि लोगों तक ये बात पहुँचे, तो मैंने भी सोचा कि हाँ, जितना, क्योंकि हमारे नबी ने हमें सिखाया कि दीन की बात जितना हम लोगों को फैलाया जाए उतना, मतलब बहुत अच्छा होगा। तो ये आप भी एक सवाब का काम ही कर रहे हैं, अमजद भाई, मकसूद भाई, आप लोग भी एक सवाब का काम कर रहे हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि जितना मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच सके, ये सच्ची बात है कि जितना ये पहुँच सके और लोग जितना हो सके टिकटॉक से और गुनाहों से दूर हो जाएं, बस। आगे के लिए आपने क्या सोचा है? अभी फिलहाल तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इंशाल्लाह हम लोग, मेरे शौहर का और मेरा यही चल रहा है कि हम लोग जितनी जल्दी हो सके उमरा कर सके, हम लोग उमरा करना चाहते हैं, क्योंकि एक उमरा हो जाएगा तो और भी जो गुनाह वगैरह और जो शैतानी फितरे हैं वो भी दूर हो जाएंगी, घर में बरकतें वगैरह शुरू हो जाएंगी, जो भी तकलीफ़ है वो भी दूर हो जाएंगे। और उमरा तो है ठीक है, पर नमाज जो मेन, सबसे मेन अव्वल है, हमें ये नहीं कि उमरा कर लिए, हज कर लिए और बात ख़त्म हो गई, नमाज जो 5 वक्त की हमें कायम रखनी है वो हमें शुरू करना है। अभी मैंने और मेरे शोहर ने यही तय किया कि जितना हो सके हम 5 वक्त की नमाज, ना सही पर जितना हो सके हम नमाज को करें, पर हमारे दिल में तो यही चल रहा है कि हम 5 वक्त की नमाज पूरी करें, क्योंकि 50 वक्त की रब ने दी थी नमाज और नबी ने 5 वक्त की कराई, तो इतना भी नहीं करेंगे तो क्या मतलब है उस नबी की उम्मती कहलाने का, बोलिए। मतलब ज्यादा करके अभी आप ये चाह रहे हो कि ज्यादा करके जो वक्त जो दिया जाएगा वो सिर्फ इबादत और इबादत में दिया जाएगा? बेशक बेशक इबादत में दिया जाएगा। देखिए हम इंसान हैं, हमसे गुनाह तो होते रहते हैं, हम फरिश्ते तो है नहीं, और दीन और दुनिया दोनों में जीना है, पर अल्लाह से दुआ मांगते रहेंगे कि अल्लाह तू जितना हो सके तू हमें अपने करीब कर। अगर नमाज पढ़ते रहेंगे तो अगर हम कहीं दूसरी राह में भटकते भी रहेंगे तो अल्लाह हमें खींच के अपने पास लेकर आएगा, जैसे मुझे खुदा ने अपने तरफ खींच लिया। कैसे मेरा दिल हुआ वो मैं ही जानती हूँ, वो एक ख्वाब आना, वो अचानक से मेरे दिल में खौफ आना, वो टिकटॉक को मुझे छोड़ देना, और फिर मेरे शौहर को भी, मेरी शौहर को भी बहुत खुशी हुई इस बात से, उन्होंने भी तुरंत अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, उड़ा दिया। मैंने अभी तक पूरी तरह से अपने अकाउंट को सील नहीं किया है, उड़ाया नहीं है, उसमें मेरे 2-4 वीडियो मैंने छोड़े हैं, क्योंकि मेरे फैंस जो है उनका हक बनता है ये जानने का कि मैंने क्यों अपना टिकटॉक छोड़ा है। क्योंकि ऐसा नहीं हो, क्योंकि कुछ लोग हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा ही सोचने लग जाते हैं कि लगता है टिकटॉक वाले ने बंद करा दिया या बैंड कर दिया या ये हो गया या कोई किसी का प्रेशर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी खुद की
तमन्ना है, ये मेरी खुद की दिली ख्वाहिश है। जारा जी, बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं, इनके हस्बैंड हमारे साथ में वो भी मौजूद है, जिनका नाम है मुजाहिद शेख। आइए हम उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं और पूछते हैं कि इनकी इनकी वाइफ ने, जारा एमएस ने जो टिकटॉक में जो बंद करने का फैसला जो लिया है, उस बारे में इनका क्या कहना है, इनसे जानते हैं। मुजाहिद जी, जैसा कि जारा एमएस जो है आपकी वाइफ ने काफ़ी सोच समझ के फैसला लिया है कि टिकटॉक से इनको हटना है, इस बारे में आपकी क्या सोच है? इस बारे में मेरी ये सोच है, बोलने से या किसी के प्रेशर में नहीं लिया, इसने खुद उठकर बोला कि मुझे टिकटॉक बंद करना है, ये लाइफ कुछ सही नहीं है, अच्छी नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, खुद का डिसीजन है उसका, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर इसने अपने अकाउंट से जितने भी वीडियोज़ थे सब हटा दिए, कुछ वीडियो डाला है वो भी थोड़े दिन में अकाउंट पूरा डिलीट हो जाएगा, और मैंने मेरा अकाउंट टोटली डिलीट कर दिया है। तो मेरे तो इतने फॉलोअर्स वगैरह नहीं थे, लेकिन इसके 5.5 लाख फॉलोअर्स थे, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस अल्लाह पाक ने हमारे को नेक राह पे भी चलाए, जितना भी हो सके, जितना हो सके हम लोग ये सब चीज़ सब दूर होना चाहते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से ना कहीं हम लोग दुनिया में थे, दीन से निकल गए थे, तो अभी हमको दीन में आना है। दुनिया में तो है ही, लेकिन दीन में भी आना है। और जितने लोग हैं टिकटॉक पे, तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी, अल्लाह आपको हिदायत देवे, जो हमने गुनाह किया है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम बहुत नेक हैं, हमने जो गुनाह किया वो आप भी मत करो, आप भी इस राह से अलग हो जाओ और अल्लाह की राह में चलो, ये मेरा कहना है। और कितने खुश है आपको? मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि उसको इतनी खुशी हुई है ना, वो छोड़ने के बाद उसको इतनी खुशी हुई ना, उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे भी हुई है। और मुझे भी ये फील हुआ है कि हाँ, ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि हमें पता था कि हम लोग ये गलत कर रहे हैं, ये टिकटॉक हमारा नहीं है। फिर भी हमने टाइम पास के हिसाब से उसको लिए थे, कुछ सीरियस नहीं था कुछ भी उसमें, ना हमारे कोई टिकटॉक वाला हमारा घर चला रहा था, बट हम लोग ने जब तक का था मजाक मस्ती थी, जब तक एंटरटेनमेंट के हिसाब से लिए। फिर बाद में ऐसा लगा कि नहीं यार, कोई मतलब नहीं है, हम नमाज छोड़ के ये सब कर रहे हैं, हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, दिन रात उसी में लगे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। अभी जो लोग कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि भाई बंद कर दो, ये हम मुसलमानों का है ही नहीं, ये हमारा है ही नहीं और ना होगा कभी। बस जैसा कि हम भी दुआ करते हैं जारा एमएस और उनकी फैमिली के लिए कि इन्हें जल्द से जल्द जो है उम्रा नसीब हो और हर गुनाहों से इन्हें दूर रखे। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।